नमस्कार, मैं प्रतीक बल्दिया, आप देख रहे हैं नेशन वन। ये है बातों बातों। बीते 3 हफ्तों से हम आपसे रूबरू हुए एक ऐसी समस्या को लेकर जो आम तौर पर दिखाई नहीं देती है मगर होती है। अवसाद के बारे में जानकारी जुटाने का सफ़र आज पहुंचा है उस पड़ाव में जहां हम आपको बताएंगे कि आप खुद से खुद को ये मर्ज कैसे पहचानेंगे। भागदौड़ भरी दिनचर्या में चुपके से आ जाने वाले डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है। आज की कड़ी में हम आपको उन लक्षणों से वाकिफ करवाएंगे जो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं। सब कुछ सामान्य है मगर अचानक आप बेवजह की उदासी महसूस करने लगे। रोज़मर्रा के कामकाज के बाद अगर नींद में बदलाव हो जाए, मसलन नींद नहीं आना या हद से ज़्यादा नींद आना, उन प्रारंभिक लक्षणों में शामिल है जिनसे अवसाद होने की आशंका आकी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर टीवी देखना आपको पसंद है या मोबाइल में गेम खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह के मनपसंद काम में अचानक अगर मन न लगे तो समझें कुछ तो गड़बड़ है। आप खाने के शौकीन हैं उसके बावजूद भूख न लगना, अपने आचरण के विरुद्ध चिड़चिड़ापन, ये वो कुछ सिम्टम्स हैं जो आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे डिप्रेशन आपके ऊपर हावी होने लगेगा। वज़न का बढ़ना भी इसका एक कारण हो सकता है। साथ ही जो एक बात रिसर्च से सामने आई है और कॉमन पाई गई है हर उस व्यक्ति में जो डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, वो है एनर्जी लॉस। इसमें व्यक्ति सुस्त और थका हुआ महसूस करने लगता है। वो फिजिकली फिट होता है मगर मानसिक तौर पर डिस्टर्ब चल रहा होता है। ये तो रहे सिम्टम्स, लेकिन इन सब से हटकर जो बात डिप्रेशन के बारे में अलग है वो ये है कि कोई डिप्रेस्ड इंसान या कहें इस समस्या से जूझ रहा व्यक्ति कुछ खास तरह के साइन और सिग्नल्स देता है जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे अगले एपिसोड। हमें यकीन है लोगों की प्रतिक्रिया से लेकर विशेषज्ञों की राय तक अवसाद के बारे में जुड़ी जानकारियाँ जो भी हमने अब तक आपसे साझा की है वो कहीं ना कहीं आप में डिप्रेशन के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया पेश कर रही होगी और आप इस समस्या के आवश्यक पहलू पर गंभीरता से विचार कर रहे होंगे। इस विश्लेषण के साथ साथ आज हम उन दर्शकों के लिए लेकर आए हैं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अवसाद की समस्या से जूझ रहे हैं या कोई उनका अपना इस समस्या से ग्रसित है। आप इन नंबरों पर फ़ोन करें निसंकोच और अपनी समस्या साझा करें और उससे निदान पाने के सुझाव भी प्राप्त करें। इसी बीच हम आप सभी दर्शकों को एक काम दे रहे हैं कि आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, साथ ही ईमेल के माध्यम से हम तक भेजें और साथ ही हमें सुझाव दें इस तरीके के सामाजिक मुद्दे जिन पर हम आपसे सार्वजनिक रूप से बात कर सकें, प्रतिक्रियाएं ले सकें और साथ ही विशेषज्ञों की राय जान सकें। नेशन वन से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।